Hello, everyone. Welcome to Ansarkari. Today, we are taking up Hindu newspaper of December 6, 2023. Starting with the first one Michong makes landfall in Andhra Pradesh. Uh, it is Michong is a cyclone, and uh, how it is formed? It is basically formed in the subtropical region and where the sea water temperature should be minimum 27 degrees centigrade. Corollary force should be very high. एंड हॉर्जोंटल विंड शुड बी हाई एंड वर्टिकल शीयर शुड बी लो तो दिससे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लॉ तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद ने मैनेजमेंट अथॉरिटी दे आर वर्किंग टूगेदर फॉर देशन प्रोसेस एंड फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीटसेटलमेंट कुछ यूनिक पॉइंट दिमाग में वन सी

इस तो मैं इसमें दो ऐड करूंगा जो मुझे एक नया पॉइंट लगा था पोर्टेबल हॉस्पिटल थ्री डी प्रिंटिंग पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल जो स्टील हाउसेस होता है ना जो जल्दी से बना सकते हैं तो वैसे पोर्टेबल हॉस्पिटल का काम कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी फास्ट एड दे सकते हैं और फर, इंटेंसिव केयर यूनिट और बाकी सब भी आप सहायता कर सकते हैं तो एक वो क्या दूसरा कि कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग जरूरत है क्योंकि जो कोना जो नियर द शोर मड हाउसेस रहते हैं वो जल्दी उजड़ जाते हैं ड्यूरिंग द साइक्लोन तो कॉन्क्रीट इज इम्पोर्टेंट पोर्टेबल हॉस्पिटल वी कैन यूज ग्लोबल स्टॉक टेक इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन पर ईयर बाय कंट्रीज ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब ये इट इज टॉकिंग अबाउट फेज आउट जस्ट फेज आउट Of the fossil fuel. India talks about phase down. Then, overall, the aim is to limit the rise of temperature below 1.5 degrees centigrade. It requires more than 80% of the fossil fuel emission cut. Glaciers shrank one meter a year in a decade. जिकल ऑर्गेनाइजेशन एफ सेड दो ग्यारह से बीस के बीच में इट वॉजे टेम्परेचर एंड ड्यू टू दैट देश कहाँ पे होगा मानसी इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक तो होगा रिलीज ऑफ कार्बन जो स्टोर हुआ हुआ था प्लस uh, मतलब और भी लाइक ग्रीन हाउस भी रिलीज होंगी उसकी वजह से और और हो हो सकता है जो ज़्यादा जाएंगे टेचर सी लेवल राइजेस तो टू टू थ्री है पहले वाटर सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा हिमालयन रीजन में ग्लेशियर श्रैंक होगा तो वाटर सिक्योरिटी रिवर में तो इसे इम्पैक्ट होगा सेकंड वुड बी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स जो होता है लैंडस्लाइड का इश्यू हो सकता है परमा फ्रॉस्ट जो मेल्ट हो रहे उसमें जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया जो हजारों साल से दबे पड़े थे वो आने से फिर जू नॉटे डिजीज का बढ़ने का खतरा हो जाता है ये सब कारण नेशन रिमेम्बर्स बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर

वाटर निकालना था मतलब इंक्लूसिविटी के अराउंड वो था कि जो डाउन रोड सेक्शन जो सोसाइटी है जो दलित्स हैं उनको लाइक वहाँ का जो रीजन का वेल था उससे वाटर वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट यूज नहीं कर सकते थे टेंपल्स में दे वर नॉट अलाउड एंट्रीज सो महार सत्याग्रह वॉज द नेम ओके okay. महा सत्र ट्रू नाइनटीन में और उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए अलग से न्यूज़पेपर निकाला था बहिष्कृत भारत और उनका रोल था विद रिस्पेक्ट टू तो द पूना पैक्ट जो उन्होंने साइन किया था विद महात्मा गांधी 1932 में जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट का बात हो रहा था तो उन्होंने लेकिन उसको एम्बेंडन किया सेपरेट इलेक्ट्रेट उन्होंने बात किया रिजर्वेशन विद इन द दस्टैब्लिस्ड इलेक्ट्रेट तो ये तो हो गया और अगर बोला जाए ऑर्गेनाइजेशन तो अब तक मुझे याद दो ही आ रहा है तो पहला बहिष्कृत हित सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इनका दो बुक भी है एक एनिलेशन ऑफ कास्ट पाकिस्तान टू पार्टीशन तो दिन

तो देश ओके से, से कि ग्लास सीलिंग है या फिर जो भी रिप्रेजेंटेशन है, है वो बढ़ रहा है इवन इन द कंजर्वेटिव स्टेट तो रिगार्डिंग द उत्तराखंड अपॉर्चुनिटीज तो दे आर सम पॉलिसीज तो आयुष आयुष इज रिलेटेड टू द इंडिजिनस मेडिसिन उसमें मेडिसिनल प्लांट का बात होता है हेल, हेल्थ केयर केयर वेलनेस आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी सब मिक्स करके आयुष होता है तो उनका सपोर्ट किया जाएगा स्टेट आयुष डिपार्टमेंट विल एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर द सपोर्ट टूरिज्म पॉलिसी में आपको हर एक तरह के टूरिज्म पर्पज फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स हो जाता है या फिर एको टूरिज्म क्रूज बोर्ड अम्यूजमेंट हीलियम हॉट वाटर एयर बलून इंडिया में भी है तो इसको प्रमोट किया जा सकता जाता है सोलर सोलर में आप कम्युनिटी सोलर सोलर विलेजेस तो ये वर्ड की वर्ड है इसको लिख सकते हैं इसको प्रमोट किया जा रहा है तो कम्युनिटी सोलर सोलर विलेजेस major world economy seem unwilling to move away from the fossil fuel. so the uh, point of 1.5 degrees centigrade, uh, the world requires three times the renewable source of energy capacity by 2030, 11,000 gigawatt. like in coal fire plants, india may be in the established order or India is talking about phase down of unabated unab unab coal power plant. एंड दे आर कंटिन्यूंगीड्स अप्रोक्सी फाइव हंड्रेड गिगा वॉट और उससे भी ज्यादा तो उसमें फाइव हंड्रेडाव होगा सिर्फ रिनोवल सोर्स ऑफ एनर्जी तो सबसे ज्यादा अभी बोला जाए तो जर्मनी विध रिस्पेक्ट टू द रिनोवल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्स एनर्जी एक बार सर्च करना okay, I'm checking. ये एक बार ले लो मानसी अम्बेडकर का कैसे सोशल जस्टिस पॉलिसी जो विद लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आइसलैंड इन द टॉप एटी सिक्स पॉइंट एट सेवन परसेंट देन नॉर्वे स्वीडन सो ब्राजील उसके बाद फोर्टी सिक्स परसेंट ओके एक बार ये देख लो अम्बेडकर टच इन रिन सोशल तो जस्टिस पॉलिसीज कमिंग तो है यहाँ पे बेसिकली बात हो रही पहले इंश्योरिंग द डिग्निटी इन सेल्फ रिस्पेक्ट इन द पार्टिसिपेंट्स सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी uh, एक सेक्शन और सोसाइटी की बात कर सकते हैं कि इन मैनुअल इज प्रोहिबिटेड एंड इट है सोल्यूशन सो एक वो एस्पेक्ट हो गया टोकनिस्टिक प्रेजेंस में करंट टाइम्स में वी सी की एक इनॉर्म बन चुका है कि वी सी ऑब्वियसली डोमिनेशन ऑफ द सोशल इलीड्स

Or uh, उनका और पार्टिसिपेशन फ्री पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं? Then, uh... control, जो उसको हट करके आप ज्यादा से ज्यादा रेप मार्जिनियर सेक्शन है उसका होना चाहिए वो एक तरह से इनका जो मेथड था अम्बेडकर का वो डिफरेंट था फ्रॉम द मार्क्स मॉडल मार्क्सिस्ट बात करता था रेडिकल दिया जाएगा लेकिन ये बात करते रहते ट्रांसफॉर्मेटिव तो ट्रांसफॉर्मेटिव नॉट रेडिकल तो इनका एक मेथड है कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब क्या हुआ आप जो अपर क्लास है अपर कास्ट है उनके अंदर में अवेयरनेस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सोशल जस्टिस पॉलिसीज पॉजिटिव पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बाय द स्टेट फिर इसको उनको स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम की सहायता देना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये रेडिकल नहीं हुआ रेडिकल बात करते हैं माओइस्ट और मार्क्सिस्ट बात करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट इकोनॉमी है उसमें जो डोमिनेशन होता है कुछ कास्ट कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी का तो उससे हट करके दलित और आदिवासी ग्रुप को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए स्कीम भी दिया हुआ। उसी में काम करता है लुक अपॉन द मॉडर्न स्टेट हाँ ये बात है कि अंबेडकर और गांधी जी में फर्क यही है, यह है कि गांधी जी लॉन्ग टर्म में चाहते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी हो सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह राम राज्य तभी आ पाएगा जब दिल में राम राज्य होगा आप धर्म के अकॉर्डिंगली काम करोगे एज ए इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल अनारकी का बात करते हैं इनलाइटेंड अनारकी का बात करते हैं लेकिन जो अम्बेडकर वो चाहते थे कि स्टेट के थ्रू ही आप ट्रांसफॉर्मेशन लाए सोसाइटी के अंदर में थ्रू इकोनॉमिक्स

और एक और एग्जाम्पल है साइकिल मचांग के पहले ही चेन्नई में फ्लड हुआ और पूरा फ्लड के कारण जो दिख रहा है वीडियोज वायरल हो रहा है जिसमें फोर फीट बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर पानी स्टोर जमा है और लोग नौ से जा रहे तो सेवरल ट्रीज है टॉपर वाटर टैगनेटेड तो इसका सबसे करक्स सोल्यूशन कहाँ पर है द सिटी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सच स्टॉम हैविंग कॉम्प्रोमाइज बाई डिकेट्स ऑफ अन कंस्ट्रक्शन पब्लिक इन डिसिप्लिन डिफाइंस ऑफ जोनिंग 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 मतलब होता है कि आपको पता है कि वो जो जापान में कैसा होता है तो जापान का मॉडल अच्छा था मैंने देखा था जीएसटर मैनेजमेंट में कहा पर जो लैंड है लो लैंड है कहा हाई लैंड है तो जहां पर लो लैंड है उसको कन्वर्ट करे थे वो पार्क में और स्टोरेज वाटर स्टोरेज के लिए तो क्या होता है जब पानी आता है जब साइक्लोन हुआ या फिर रेन वाटर बहुत उस साल बहुत ज़्यादा रेन हुआ तो पानी स्टोर हुआ था लो लैंड एरिया में तो पॉन्डे ऐसे काम करता है छः सात आठ महीना फिर जब पानी जब सूख जाता है समर सीजन में तब वो फुटबॉल फील्ड बन जाता है एक तरह से तो फुटबॉल फील्ड बन जाता है पार्क भी बन जाता है उसमें लोग जाके बैठते हैं इन्जॉय करते हैं तो ऐसे जो जोनिंग होता है जोनिंग ऑफ एरिया वो नहीं किया जाता है पब्लिक इनडिसिप्लिन है लिटरिंग करते हैं तो आपका क्लॉगिंग ऑफ द सीवेज मैनेजमेंट हो जाता है उसी कारण ये प्रॉब्लम है फ्लड जो अर्बन का इशू है सिविलियन so, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको रेजिडेंट बनाना लॉन्ग टर्म तो ये जो सर्वे होता है लोकनीति सर्वे सीडीएस पोस्ट पोस्ट स्टडी होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी उसे पता लग सकता है कि लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में उनका नीति के बारे में और कैसा माइंडसेट है विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग परसेंटेज हर एक पर उनको एक पॉइंट देना रहता है तो वो मार्क्स देते हैं ऑपरेशन क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्ड टू अमेंड जीएनके रियोर्नेशन एक्ट इसमें वहीं बताया कि पहले जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी था उसमें था कि पहले नाइनटीन सिक्सटीज में दो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में तो घट के फिर चीफ मिनिस्टर हुए लेकिन तब भी उनका अलग से ऑटोनॉमी दिया गया था अब वो भी नहीं है एब्रोगेशन हो चुका है आर्टिकल दो फ्लैग क्यों है दो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है इट वॉज रॉन्ग तो स्टॉक टेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेजिंग आउट ऑफ फोसल फ्यूल तो ग्लोबल स्टॉक टेक है जीएसटी डिफरेंट है ग्लोबल स्टॉक टेक है इट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी जो इंक्रीज होगा इलेवन थाउजेंडी वोट एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशियंसी यहां पर है जैसे जो नो क्लियर रोड मैप है लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल इफिशियंट फॉसिल फ्यूज सब्सिडी आप कोल जो प्लांट है उसको बंद हैं उसको आप सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाए लेकिन उसके लिए फंडिंग चाहिए तो फंडिंग कहां से मिलेगा डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को तो वो एक चर्चा का विषय है इसके ऊपर इंडिया प्रोवाइज टू फिफ्टी मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेड टू केनियांट मिलिट्री एक्सरसाइज कोलेबरेट विद काउंटर टेरिस्ट प्रोजेक्ट इंडियन इनिशियटिव इंडिया हर बार तो केनिया को दे रहा है तो कैनिया किस तरफ में आता है मानसी इंडियन ओशन रीजन के में आते हैं कि कहीं और आते हैं

जो एक गुडविल होता है वो अन करने की कोशिश इन द अफ्रीकन कंट्रीज ये ले लो मानसी ओके सो हियर अपोजिशन क्वेश्चंस सेंटर्स कौन सा बोल रहे हो आप कौन सा आर्टिकल ये वाला सरोगेसी okay. सरोगेसी लॉ पर इसके ऊपर अनमैरिड वुमेन हैविंग चिल्ड्रन बाय सरोगेसी एन एक्सेप्टेड नॉर्म सो ये वहां बेसिकली यहां पे हां

एज अ वर्चुअल सिम्बलिंग वाद अल ब्रदर कुमकरण ट्राइज टू बैलेंस आउट ऑफ द टू टो जो इनर मोस्ट इकोइिक आई उसको कम करना चाहिए कर्म पर फोकस ज्यादा करना चाहिए और माया माया को समझना चाहिए

प्लास्टिक का भी ऑल्टरनेटिव इतने बड़े बट अगेन पर्सनल लेवल बाइंग दैट एवरी सिंगल टाइम जैसे हम प्लास्टिक बैग्स को बाई कर लेते हैं इजिल बिकॉज उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लो है सो so, वो एक डिफिकल्ट टास्क तो यहाँ पे बिहेवियरल चेंज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड लाइक इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक अभी uh, इतना कुछ लाइक देवल। पहले बात है, कि जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है का बात किया ऐसे हम, मैं रहा था कि जो है ना उससे भी बना सकते, bags, और दूसरा की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म कैसे तो सी वीड सी हो गया या आप अगर यूज कर सकते हो बैक्टेरिया उसको भी बना सकते हो प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने बायो चाहिए जिसमें बैक्टीरिया यूज हो सकता है तो सम मेथड्स नहीं प्लास्टिक से आता कहाँ से उसका रॉ मटेरियल क्या मानसी प्लास्टिक का प्लास्टिक का रॉ मटेरियल इज पॉलीथाइलीन हाँ मतलब फॉसिल फ्यूल से बनता है एक तरह से तो तो वेस्ट टू एनर्जी और ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो भी नेगोशिएशन चल रहा है अभी यू के अंदर में विद रिगार्डिंग टू द बैनिंग ऑफ द प्लास्टिक और प्लास्टिक कैसे कर ख़त्म करें उसमें भी देखा गया कि जो भी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं इस पर वो अधिकतर सब फ्यूल डोमिनेट कंट्रीज है तो ओवरऑल एक सहमति नहीं हो पाया कि कैसे फाइनेंस की तरफ कैसे मुझे फाइनेंस मिले कि प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव ढूंढे या लिमिट्स कैसे करें प्लास्टिक के ऊपर में तो ये सब बात है तो वॉलेंट्री मेजर्स का बात हमेशा किया जाता है तो कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है अभी तक ना कई बार इंडिया भी नहीं है इंडिया में बात किया था हटा देंगे लेकिन प्लास्टिक हटा नहीं जीपीएस कैसे कर काम करता है तो ये प्रवेश ये वाले लो

And civilian, military, इसके होते हैं। जो जीपीएस को फ्री में प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड को और बेसिकली जीपीएस प्रोग्राम जो की अंदर आया और पहली सैटेलाइट नाइनटीन सेवेंटी एट में लॉन्च की गई और इस जो जो स्पेस सेगमेंट है इसमें 24 है, जो ट्वेंटी फोर सेवन Uh, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जीपीएस uh, जो इसकी होती है एंड इट एज एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड यूजर्स इन द द वर्ल्ड दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम तो वर्क कैसे करता है इसके सिग्नल्स होते हैं जो की फ्रिक्वेंसी होती है ये फुली एनकोडेड होता है जिसके मल्टीपल एक्सेस होते हैं इसको मैं बेसिकली okay. okay. मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो जीपीएस जो है इट इज़ कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ ट्वेंटी फोर सैटेलाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये कोई भी एक पोजिशन पर कोई भी लोग खड़े होते हैं ये एप्लीकेशन यूज करते हैं तो थ्री सेटेलाइट का यूज होता है उस समय और एक्यूरेट आपको बता देता है मेजरमेंट कि कहाँ पे आप खड़े हो क्यों क्योंकि एटॉमिक क्लॉक रहता है उनके अंदर में और उससे जब आप सिग्नल भेजते हो और जब आता है तो उसका जो डिफरेंसेज है और किस डायरेक्शन में तो आप जोमेट्री पढ़ पढ़े हुए कभी भी तो उसी से निकाल सकते हैं एक्यूरेट पोजिशन तो ये एक एरिया हो गया इलेक्ट्रो एक सिग्नल है रेडियो वेव्स विच ट्रैवल एट स्पीड ऑफ द लाइट जीपीएस रिसीवर और इंडिया पर ऐसा है कोई तो आई आर एन एस एस ये है जिसको नाभिक भी बोलते हैं तो इसके पास कितना सेटेलाइट है मानसी जो इंडिया के पास है आई थिंक इट सेवन सैटेलाइट्स सेवन सैटेलाइट इसमें से अगर दो अलग अलग दो टाइप के सैटेलाइट है उसमें जियो सिंक्रोनस एंड आई थिंक जियो पोलर सैटेलाइट हाँ सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी है और एक और एक सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो पोल से आते हैं मतलब पोलर सिंक्रोनस हाँ एक तरह से तो चार है तीन जियो स्टेशनरी है बाकी जो चार है ना वो राउंड करते मूव करते वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये हो गया और फिर बाकी कंट्रीज अपना अपना है ऐसा रशिया का ग्लोनास है यू का गैलीलियो चाइना का बीडो तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा डायरेक्शन दिया गया था द दूब और इसाओमी कि आप भी आयरन के हिसाब से अपना जो मोबाइल फोन है और बाकी इक्विपमेंट है उसको भी आप चेंजेस लाइए चिप्स के अंदर में ताकि आप डायरेक्टली नाविक को यूज कर सके तो लॉन्ग टर्म में थ्रू द शिप ट्रैवलिंग या फिर एयर ट्रैवल उसमें यूज हो सकता है इन द इंडियन ओशन रीजन अब इंडिया का यूज क्यों नहीं करता इसका एक कारण है कि इंडिया का ग्लोबल नहीं है ना इसलिए तो आपको दो बदलना पड़ेगा बाकी सबका लेकिन ग्लोबल है रशिया का ग्लोबल है चाइना भी ग्लोबल है ये लिखा हुआ है यू यू का भी ग्लोबल है गैलीलियो और चाइना बाइडो और रशिया ग्लोना दे आर ग्लोबल और यूएस प्रवेश क्यों फ्री में देता है दुनिया भर उससे फायदा है क्या है में अगर बात रहे है तो, तो जानकारी है हाँ यूक्रेन वॉर है या कहीं पर भी तो उसमें जीपीएस में दो टाइप का आता है टेन तो मीटर के स्पेस में जब ऊपर से आप घर अपने देखे ना ऊपर से तो सिर्फ टेन मीटर का स्पेस में आपको पता चल सकता है कैसे और पुराना फोटो रहता है लेकिन लाइव लोकेशन भी बता सकते हैं जो मिलिट्री पर्पज में यूज होता है तो यूक्रेन वॉर वैसे है मैं बहुत यूज हुआ था इसमें भी आत्मनिर्भर बनना ही है लॉन्ग टर्म आई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इट्स लो सिग्नल स्लो डाउन लो नवंबर so में जो सर्विसेज पीएमआई सिग्नल स्लो डाउन है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस सेक्टर इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है जो अगेन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम के लिए भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी वी आर हैविंग मैनेजर्स इंडेक्स, इट इज इम्पोर्टेंट कि एक तो लाइक होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें वी आर नॉट हैविंग सर्विसेज इज अ पार्ट तो ये एक डिस्टिंक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है

ये avoid too good to be true online deals, ये भी एक तरह से ही पार्ट है। कि रहे, रहे। चार्जर का क्या इशू है ऐसे दुनिया भर में मानसी अभी बात हो रहा था ना चार्जर से रिलेटेड मतलब कि चार्जर अगेन uh, कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो जो अभी चार्जर्स हमें मिलते हैं जो स्टैंडर्ड

ये बात होता है विद रिगार्ड टू रेबीज इंडिविजुअल डॉग बिहेवियर प्लेज ए वेरी की इंपॉर्टेंट रोल इन एंडेमिक नेचर ऑफ रेबीज तो ब्रेन सैंपल और मॉडलिंग रेबीज पेड लोकल फ्यू सुपर ब्रिडेड वैक्सीनेशन इज अ बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट इस रेबीज से कोई क्योर नहीं है और कलिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम तो ये तंजानिया का बात हो रही है तो तंजानिया ने अफ्रीका में वहां पर केस स्टडी लिया हुआ था तो वहां बात कर रहे है कि कलिंग जो है उससे लॉन्ग टर्म सोलूशन नहीं है इसका वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कलिंग डॉग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम मनी रिसोर्सेज और नॉट फ्रेंडली क्योंकि उससे क्या होगा जो डॉग्स है ना वो डर में रहेंगे और डर में रहेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मली वो काट सकते तो ये बात हो रहा है एथिकल रॉन्ग भी है साइंटिफिक इनफेक्टिव भी है तो अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो वैक्सीनेशन बेस्ट है रेबीज डि टिपिकल इन्फेक्श डिजीज और कोविड जैसा नहीं होता है ये तो हम डॉग के पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर सकते हैं तो नंबर ऑफ डॉग रैन अपू फिफ्टीन किलोमीटर फ्रॉम द आफ्टर बीइंग लोकेलिटीड एंड विथ डॉग फार फ्रॉम होम तो डॉग के ऊपर दिया हुआ है तो लिखा हुआ सिक्सटी थाउजेंड ह्यूमन डेथ इज ड्यू टू दाइसा वायरस लाइसा वायरस जो रेबीज कहा भी जाता है वायरस कैन एंड अपफेक्टिंग द ब्रेन एंड लीड टू द सर्टन डेथ आप सर्च करना है ऑनलाइन देख लो ट्विटर में और बाकी जगह जाकर के इनक्यूबेशन पीरियड उसका रहता है इसलिए बोला जाता है कि आपको जैसे ही काटता है कोई भी डॉग तो आके आप रेबीज़ के इंजेक्शन ले लीजिए तो बहुत सारे लेना पड़ता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हम लोग कोविड के समय बोल रहे थे उसमें भी होता है टू नेटवर्क टू ट्रैक द डॉग्स ये हुआ था डिस्ट्रिक्ट जो तंजानिया के अंदर में तो उससे पता लगा तो कहना बोलती है डॉग्स आर रिस्पॉन्सि फॉर नाइनटी सेवन परसेंट ह्यूमन रेबीज फॉलोड बाई कैट एंड जैकल मंगोसियस तो अगर बोले कि रेबीज कैन बी स्प्रेड ओनली थ्रू डॉग क्वेश्चन पर पूछा तो गलत है तो ये वाइड स्टेटमेंट है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है किसी के थ्रू भी हो सकता है रेबीज बैट के थ्रू भी होता है कैट के थ्रू भी हाल फिलहाल एक कैट का केस आया था यूपी में कि दोनों का डेथ हुआ था पापा और बेटा का तो कैट को रेबीज हुआ था डॉग के थ्रू और कैट ने फिर काटा था घर पे और दोनों मर गए थे फिर उस दिन में तो कैट के थ्रू भी होता है बाकी जगह से होता है तो इट इज वेरी मतलब हार्मफुल डिजीज खतरनाक बहुत ज्यादा तो ओवरऑल का समझ में यही आया कि इसको आप वैक्सीनेशन करिए और धीरे धीरे पॉपुलेशन को कम करते रहिए डॉग का तो ये हो सकता है तो, तो इंडिया में नेशनल ना, एक्शन एक एक प्लान फॉर डॉग मेडिटेशन रेबीज एलिमिनेशन ये है इंडिया का पॉलिसी ट्वेंटी थर्टी तक क्या प्रवेश मैं बोल रहा हूं कि क्या ये कॉम्युनिकेबल डिजीज है नहीं है मतलब मेल टू मेल भी हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन भी हाँ कॉम्युनिकेबल डिसीज़ है अगर रेबीज इन्फेक्टेड पर्सन किसी को काट लेता है तो इट विल इफेक्ट पर्सन ओ विल्सो ना इंडिया इज अराउंड रेबीज ट्वेंटी थाउजेंड पीपल साल भर में रोज मरते हैं रेबीज से रेबीज के वैक्सीन का कॉस्ट भी ज्यादा है We can move on to the topic. हॉस्पिटल टू फेस ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसमिशन ये बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी और उनका रोल क्या है रिपोर्ट लिंकिंग द अपोलो हॉस्पिटल टू कैश फॉर किडनी रैकेट इन्वॉल्विंग म्यांमार्स तो अनएथिकल प्रैक्टिस है इसमें आप पैसा देके किडनी आप बाई कर सकते हो और उससे फिर किडनी हार्वेस्टिंग भी होता है इलीगली ट्राइबल्स इलाके में गरीब इलाके में पैसा जरूरत पड़ता है लोन का जरूरत पड़ता है तो किडनी तो निकाल क्या हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड हाँ डीजी ऑफ हेल्थ सर्विस जो होते हैं मिनिस्ट्री हेल्थ के अंदर उनके अंदर बेसिकली मतलब तो... नहीं। 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 तो किया जाता है हाल फैल में किसी को अगर डोनेशन करना है तो रूल है उसके के लिए कि फॉर्म ट्वेंटी वन एक साइन करना पड़ता है और उसमें बताया जाता है कि नहीं तो उसके एम्बेसी के लिए इंडिया में अगर बोला जाए तो इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लॉ है कि आप डोनेशन कर सकते हो नियर रिलेटिव परिवार के अंदर में या फिर डिस्टेंट ऑल्टरिस्ट डोनेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड डिस्टेंट रिलेटिव और बताया जाता है कि आपका कनेक्शन तो है तभी आप डोनेट कर सकते हो पैसा पर इंडिया में नहीं है द पेशेंट आर इक्वायर टू सबमिट डॉक्यूमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डोनर एंड द पेशेंट इंक्लूडिंग द फैमिली ट्री तभी आप डोनेट कर सकते हो हाउसेस और लूज प्रॉपर्टी रिबेट नेशनल कैपिटल विल नॉट द प्रॉपर्टी इफ द विश फॉर टैक्स एज्शन एमसीडी बोले जियोटैगिंग एमसीडी ऐप के अंदर करना है तो ये क्या केस है प्रवेश ये बेसिकली वही है कि जो आप अपना हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हो तो जियो टैगिंग बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी का एक मेथड है जिससे आपका डिजिटल आपका प्रॉपर्टी टैक्स और जो भी इलीगल कॉलोनीज होती हैं उनका पता लग जाएगा कि कितनी इलीगल कॉलोनीज बन रही हैं या फिर कौन सी

अमंग द पीपल कि आप टोबैको से आपका कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है तो आप नहीं करिए तभी ओवर द एज देखा गया कि टोबैको का यूसेज वो बड़ा है और ख़ास करके जो एटीन ईयर्स के बिलो भी उनका भी यूसेज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं कहाँ पर कहाँ पर डिफ्रेंसेज हो रहे हैं मानसी कि हम लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं टैक्स भी बढ़ा रहे हैं टोबैको ऐसा लिशिट मटेरियल में जी रेट भी बढ़ाएं उसको अवेयरनेस स्कीम भी करते हैं बताते भी हैं लेकिन तब भी टोबैको यूसेज बढ़ा है एटीन ईयर्स के नीचे बेसिकली लाइक एटीन ईयर्स के नीचे तो अगेन हम यूथ पॉपुलेशन की भी अगर बात करते हैं तो लाइक इट इज